नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर और जाने माने भविष्यवक्ता मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। अब तक हमने आपको बताया था कि ए से लेके जे अक्षर वाले लोगों के लिए खासतौर पर साल 2021 क्या कुछ लेकर आ रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे के अक्षर के बारे में। जी हाँ, के अक्षर जितने भी लोगों का नाम के से शुरू होता है, आखिरकार उनके लिए इस साल क्या कुछ है ये हम जानेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, किस स्वभाव के होते हैं ये लोग। देखिए, के अक्षर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छा उनका नेचर रहता है और बहुत मिलनसार होते हैं और सभी जगह जाकर अपनी छाप छोड़ते हैं। के अक्षर के बारे में हमने ये देखा है, जो रिसर्च रही है, कि ऐसे लोग अपने हमने बड़े ईमानदार देखे हैं, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि जो करना चाहते हैं मेहनत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। और इस अक्षर के ऊपर हम देखें कि बुध का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसके चलते ये लोग बहुत ही तेज़ सरार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा सबकी हेल्प करने में ये लोग आगे रहते हैं। तो बुध के प्रभाव उनके कारण ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा माना गया है और लाइफ में बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोग्रेस करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हंसमुख स्वभाव होता है, सबको इनका ये स्वभाव पसंद आता है जी, तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। मयंक जी, इन लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स जो आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, पॉजिटिव तो हमने ये बताए हैं कि बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, हर दिल अजीज कहे जा सकते हैं। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ थोड़ा क्या रहती है कि जल्दबाजी किसी भी काम में कर देते हैं। फटाफट काम करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी, ज़रूर से ज़रा जल्दबाजी करना कई बार गलत काम भी हो जाता है, उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, कभी भी किसी को कुछ भी बोल देंगे, कहीं भी मजाक कर देते हैं, तो ये चीज़ कभी कभी कुछ लोगों को बुरा लग जाती है। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा सा देखना चाहिए कि कहाँ पर किस परिस्थिति में क्या बोलना है, किस तरीके से करना है। तो वो चीज़ अगर ये ध्यान रखेंगे तो फिर कोई लाइफ में परेशानी नहीं आती है। और इनको थोड़ा खान पान का अपना ध्यान रखना चाहिए। स्किन रैशेज की इस तरह की समस्या इनको देखी गई है, ज़्यादा रहती हैं। ये एलर्जिकल प्रॉब्लम इनको, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ये समस्या ज़्यादा रहती है, तो इस चीज़ से भी इनको थोड़ा बचना चाहिए और आने वाले इस वर्ष में 2021 में भी थोड़ा इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल जो है कि कमियां कम ही देखी गई हैं कि नाम अक्षर के लोगों में, जो जिस तरह का इनका स्वभाव होता है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि भाई नया साल यानी कि नव वर्ष 2021 इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या चैलेंजेस इन लोगों को इस साल फेस करने पड़ सकते हैं। तो मयंक जी, वैसे तो आपने बताया कि किन किन स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां से इन्हें गुजरना पड़ता है, लेकिन इस साल कैसा रहेगा इनका स्वास्थ्य? देखिए, इस साल इनका स्वास्थ्य पहले और टाइम के मुकाबले अच्छा रहेगा, लेकिन इनको ध्यान क्या रखना है कि इनको लीवर इंडाइजेशन इस साल रह सकता है, लीवर संबंधी रोग है ना, फैटी लीवर हो सकता है या स्लगिश लीवर हो सकता है, कि अपचन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये समस्याएं बढ़ेंगी, कॉन्स्टिपेशन। तो आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ें ना लें जैसे फास्ट फूड वगैरह। आजकल लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाना, कि चलिए खाना नहीं है तो बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। आपको इस चीज़ से बचना है। ये के अक्षर वालों की इस साल तबीयत ख़राब कर सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। फाइबर ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, समस्याएं भी कम रहेंगी। यानी कि ऑयली फूड और फास्ट फूड से, बाहर के खाने से आपको बचना चाहिए। लेट नाइट भी आप जो डिनर अवॉइड करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ तो आपको परेशानियों का सामना या थोड़ा सा इस साल आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, ऐसे संकेत हैं। तो थोड़ा सा सेहत के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी बरत के चलेंगे जो हमने बताई है, तो समस्याएँ 10% रह जाएंगी और 10% समस्या से निकलना, कविता जी, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि लव रिलेशनशिप्स के मामले में ये लोग कैसे रहते हैं? देखिए, लव रिलेशनशिप के मामले में के अक्षर वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं, खुद भी बहुत रोमांटिक होते हैं, जिंदा दिल इंसान होते हैं, जिंदगी को जीना पसंद करते हैं और ऐसे ही पार्टनर की अपेक्षा भी ये रखते हैं। तो इनका 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 रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छे इनके रिलेशन रहते हैं, चाहे दोस्ती हो, चाहे
इनके लाइफ पार्टनर के साथ देखा गया है, तो इनको वैवाहिक जीवन का आमतौर पर अच्छा ही कहा गया है। तो ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, खुद अपने आप से रिलेशन कभी ख़राब नहीं करते हैं, और ऐसे इनके पार्टनर भी होते हैं। छोटी मोटी नोकझोंक को छोड़ दें तो हमने देखा है कि इनका आपस की बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ रहती है, और इस वर्ष जो है इनकी मैरिड लाइफ जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। पहले के मुकाबले 20 के मुकाबले 21 जो है 21 ही साबित होने वाला है इनके लिए। मैं जी अगर इनके प्रोफेशनल फ्रेंड की बात करें तो करियर के तौर पे देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है जिसमें ये बहुत अच्छा कर पाते हैं? अगर ये लोग MBA करें तो बहुत अच्छा है। होटल मैनेजमेंट इनके लिए बेस्ट है, मीडिया प्रोफेशन खासकर एंकरिंग रिपोर्टिंग इनके लिए बहुत बेस्ट है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंसल्टेंसी या कोई भी काम एज ए सलाहकार करेंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेंगे, तो ये कुछ प्रोफेशन इनके लिए, इसमें सीधा पब्लिक डीलिंग का काम हो, जनता से संवाद करना हो, वो काम इनके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। NGO चला सकते हैं, ये काम इनको हमेशा कोई भी काम इनको अपनी वाणी से संबंधित करना चाहिए, जनता से जुड़े रहना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जिसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग हो, या कॉस्मेटिक्स का काम भी इनको बड़ा अच्छा रास आता है, तो इस फील्ड में ही अपना अच्छा नाम कमाएंगे। और इस साल तो इनको नौकरी व्यवसाय में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। धन लाभ के कितने ही हो गए इनके? धन लाभ इनको जबरदस्त इस साल होगा, देखिए चांदी ही चांदी होगी के वालों की। इस साल धन लाभ अच्छा इनको पैसा बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इस साल जो है इनको फाइनेंशियली काफी अच्छे गेंस होंगे और सेविंग्स भी काफी अच्छी नजर आ रही है। मैं जी कोई सलाह आप इन्हें देना चाहें तो? देखिए इनको सलाह इस साल की है कि सेहत पे ध्यान अपना दें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि, और पैसा कहीं उधार ना दें। इस साल धन हानि तभी होगी जब आप कहीं गलत जगह निवेश कर देंगे। लॉटरी जुए सट्टे से हमेशा ही दूर रहें आप, अन्य आपको हानि ही होगी वहाँ पर। गलत चीज़ों में मत जाएं, गलत दिशा में ना जाएं, अन्यथा आपको बदनामगी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो गलत चीज़ों से बच के चलें, पैसा कहीं निवेश ना करें, किसी को उधार ना दें। इसके अलावा और कोई किसी तरह की कोई हानि नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल मंजी में क्या लगता है पूरा साल इनके लिए कैसा रहेगा अगर प्रतिशत में जानना? पूरे साल में देख रहा हूँ तो मैं इनके लिए 85% ओवरऑल अच्छा समय है। फरवरी का महीना, और हम देखें इनके लिए अप्रैल का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे और बड़े परिवर्तनकारी ये समय रहेगा। चलिए ये तो हमने मैंग जी से जान लिया कि भाई के अक्षर वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 2021 आखिरकार कितना खास रहने वाला है। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।